नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़। मैं हूं पूजा रघुवीर। आपके साथ चर्चा के विषय में बात करेंगे कांग्रेस नेत्री नूरी खान के बारे में, जिन्होंने एक घंटे के भीतर ही अपना इस्तीफा वापस ले लिया। उन्होंने पहले अपना इस्तीफा दे दिया था, सोशल मीडिया पर भी उसे पोस्ट कर दिया था। उसके साथ ही कांग्रेस पर कई आरोप भी उन्होंने लगाए थे। खुद हमारे साथ नेत्री नूरी खान मौजूद है फोन लाइन पर। वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ बीजेपी से मौजूद है नेहा बग्गा जी। सबसे पहले बात करना चाहूँगी कांग्रेस नेत्री नूरी खान जी से। मैम, बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ पर। जानना चाहूँगी आपसे, जिस तरह से आपने इस्तीफा दिया, वहीं एक घंटे के भीतर ही आपने इस्तीफा वापस भी ले लिया, उसके साथ ही आपने कांग्रेस पर अल्पसंख्यकों की उपेक्षा के भी आरोप लगाए थे, तो क्या कारण रहा आपके इस्तीफा देने और वापस लेने का? देखिए, मैंने इस्तीफा दिया था क्योंकि काफी लंबे समय से मैं काम कर रही थी और मुझे थोड़ा महसूस हो रहा था, यहाँ प्रदेश स्तर की बात नहीं थी, कई राष्ट्रीय मुद्दों पर, कई जगह पर मुझे कुछ मुद्दों पर ऐसा लगता था कि हमारा क्या एक्सचेंज होना चाहिए और हमने क्या एक्सचेंज लिया। तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा दुखी थी, मैंने इस्तीफा दिया था, लेकिन मेरे राजनीतिक मार्गदर्शक और हिंदुस्तान की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम है आदरणीय कमलनाथ जी, जिन्होंने सरकार बनाई और जनता ने उन्हें अपने मुखिया के रूप में चुना। तो लेकिन जो भी परिदृश्य रहा कि जिस तरीके से हमारी सरकार गिरी है, लेकिन मेरा विश्वास बहुत मजबूत है अपने मुखिया पर। मेरी चर्चा हुई, मैंने अपनी बात रखी और जो बात मेरी साहब से हुई है, आदरणीय कमलनाथ जी से हुई, मुझे पूरा विश्वास है कि उन मुद्दों को गहनता के साथ समझा गया है और आगे आने वाले समय में उन्हें क्रियान्वयन भी उनका किया जाएगा। तो मैं आश्वस्त हुई मेरी पार्टी की बातों से और मैंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया, क्योंकि मेरा मकसद किसी और राजनीति में जाने या दल बदलने का था भी नहीं। मैं अपने पद से इस्तीफा दिया था, अपनी विचारधारा से इस्तीफा नहीं दिया था मैं। देखिए, बीजेपी खुद क्या कर रही है, बीजेपी ने कितने मुसलमानों को टिकट दे दी या बीजेपी की कार्यकारिणी में कितने मुस्लिम हैं, तो बीजेपी तो ये बात ना करे तो बेहतर है। और मैं बीजेपी क्या कर रही, उनकी सियासत क्या है, उनकी उन्हें तो जनता ने चुना भी नहीं था, उन्होंने विधायकों को खरीद के सरकार बनाई है, तो ऐसे लोगों को मैं क्या जवाब दूंगी, ऐसे लोगों के लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं। जी नूरी जी, अब जब आप कांग्रेस में वापस आ चुकी हैं, तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, मैं तो कांग्रेस से गई ही नहीं थी क्योंकि मैंने इस्तीफा दिया था, इस्तीफा मेरा स्वीकार नहीं हुआ था। कांग्रेस मेरा जाना तब कहलाता जब मेरा इस्तीफा स्वीकार हो जाता। मैंने इस्तीफा दिया था, मेरा इस्तीफा स्वीकार ही नहीं हुआ और मैंने उसे पुनः वापस भी ले लिया मैंने। तो मैं तो कांग्रेस की चीज हूँ और रहूंगी और आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार बनेगी 2023 में और आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। वो हम क्योंकि युवाओं की बात समझते हैं, इसलिए मेरी बात को तुरंत समझा भी गया। ये एक छोटे से कार्यकर्ता के लिए बड़ी बात है। जी जी नूरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। दूसरी तरफ हमारे साथ हैं बीजेपी से नेहा बग्गा जी। मैम, बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ पर। जानना चाहूँगी आपसे, जिस तरह से कांग्रेस नेत्री नूरी खान ने इस्तीफा देने के बाद एक घंटे के भीतर इस्तीफा वापस ले लिया, तो क्या कारण हो सकते हैं इसके और बीजेपी कैसे देखती है इस इस्तीफे को? देखिए, 2018 के चुनाव से पहले कमलनाथ जी ने एक बैठक बुलाई अल्पसंख्यकों की और बंद कमरे में उन्होंने आह्वान किया था कि अगर 90% मुसलमानों ने वोट नहीं दिया तो मुसलमान जो है वो खतरे में पड़ जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। अब एक अल्पसंख्यक महिला नूरी खान, जिनकी अपनी खुद की योग्यता है, जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर और उनने जिस तरीके से आरोप लगाया है कमलनाथ जी के ऊपर और कांग्रेस के पूरे मध्य प्रदेश के पुष्पम के ऊपर, वो स्पष्ट दिखाता है कि महिला की योग्यता सिर्फ इसलिए नहीं देख रहे कमलनाथ जी क्योंकि वो एक अल्पसंख्यक उससे आते हैं और इसी कारण से उनकी अनदेखी करके किसी और को जो कांग्रेस की कांग्रेस महिला का जो विंग है उसमें किसी और को अध्यक्ष बना दिया गया है। तो बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यकों के नाम पे वोट मांगती है और उनको ठगने का काम करती है जब मुख्य धारा में लाने की बात होती है। पर उससे भी ऊपर उठकर अगर हम देखें तो जो सशक्त महिलाएं हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, जो समझदार हैं, लगातार जो कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाकर चलती हैं, कांग्रेस को उनके वोट चाहिए, कांग्रेस को झंडा उठाने के लिए उनका साथ चाहिए, पर मुख्य धारा में लाने से कांग्रेस पार्टी कतराती है और यही कारण है कि लगातार जो महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी हैं, सशक्त हैं, वो कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ रही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव छोड़कर चली गई, उससे पूर्व में हमने देखा था प्रियंका चतुर्वेदी छोड़कर चली गई थी
और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से नूरी खान ने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ने की बात कही है, ये स्पष्ट दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो महिलाएं हैं, कार्यकर्ता हैं, वो साफ कह रही है कमलनाथ जी को कि कमलनाथ जी आप हमें गुमराह नहीं कर सकते। जी नेहा जी, कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है कि जो जीत हुई थी, कमलनाथ सरकार की जीत थी, और अभी जो सरकार है ये खरीद फरोख्त की सरकार है, विधायकों को खरीद कर ये सरकार बनी है, और बीजेपी पर आरोप कांग्रेस ये भी लगा रही है कि अल्पसंख्यकों का यहाँ पे जो है उपेक्षा बीजेपी ज़्यादा कर रही है। नहीं देखिए, तुष्टिकरण की शुरुआत किसने की? तुष्टिकरण में विश्वास कौन रखता है? कांग्रेस पार्टी रखती है। बंद कमरे में भारतीय जनता पार्टी पर ऐसी बैठ के नहीं बुलाती, पर ऐसी बैठ के बुलाने वाले कमलनाथ जी हैं। ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा रही है, हमेशा उन्होंने धर्मों में, समाज में, वर्गों में बंटवारा करने का प्रयास किया है, और उसी का उदाहरण उनका नेतृत्व ही लगातार सामने आकर उनसे प्रश्न उठाता है। नूरी खान का इस्तीफा हुआ, ये हम सब ने देखा। नूरी खान जी ने इन सब चीजों को सार्वजनिक किया अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, और जहां तक है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख की बात, तो भाई कमलनाथ जी जब लगातार अपने नेताओं का, वरिष्ठ जनों का तिरस्कार करेंगे, उन्हें चलो चलो कहेंगे, समय नहीं देंगे और अपने घर के कुंबे को नहीं संभाल पाएंगे, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी तो कसूरवार नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक विशाल दल है, जो भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ना चाहता है बाहर खोल के उनका स्वागत करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो लोग बार बार हिंदुत्व को गाली देंगे, श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाएंगे, 370 बहाल होने की बात कहेंगे, हिंदुओं को बोको हराम से जोड़ देंगे, आइसिस से जोड़ देंगे, महिलाओं का तिरस्कार करेंगे, और एक दर्जन से अधिक उदाहरण है कि कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने, प्रदेश अध्यक्ष बने कांग्रेस पार्टी के, तो तब से लेकर महिलाओं का किस तरीके से तिरस्कार किया है, किस तरीके से महिलाओं को, जीतू पटवारी ने कह दिया कि भाई 200-500 रुपए में बिक जाती है महिलाएं, किस तरीके से सज्जन सिंह वर्मा आ गए और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर उल्टे सीधे बयान देने लगे हैं बच्चियों के। आप याद करिए कि जो इनके रीवा के प्रभारी हैं पटेलिया जी, उन्होंने कहा, पत्रकारों से कह दिया कि आप अपनी बहन बेटियों को ले आइए, अगर हमारे अध्यक्ष को पसंद आई तो हम इस पर विचार करेंगे। तो ये एक लंबी पेरिस है, टंचमाल से लेकर कमलनाथ जी का आइटम है। कमलनाथ जी ने पिछले दिनों कह दिया कि महिलाओं को गुमराह किया जा सकता है। जब इन सब चीजों को जनता देखती है तो इनको करारा जवाब देती है। अगर हमारे साथ कोई आता है तो दोबारा लोकतंत्र में जो चुनाव होते हैं उसमें जीत कर आता है, वापस से पदस्थ होता है। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है जहाँ पर सिर्फ दो महिलाओं का सम्मान किया जाएगा, जहाँ पर आप किसानों को ठग लेंगे, जहाँ पर आप बच्चों की विवाह निकाह के पैसों को लेकर ठग लेंगे, संबल योजना को बंद कर देंगे, तो एक लंबी पैरिस से जनता करीब से देखती है चीजें। जी जी नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। अल्पसंख्यकों की उपेक्षा और अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा में लाने के लिए कौन सी पार्टी कब क्या करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल चर्चा के विषय में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहें एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।